हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेवेंटेटेन यूट्यूब चैनल। लेवेंटेटेन यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पांच ऐसी आदतों के बारे में। ये पांच आदतें जो जिनमें होती हैं लोग उनके लिए पागल होते हैं। दोस्तों, आदतें हमारी लाइफ को बना भी सकती हैं और बिगाड़ भी सकती हैं। आपको अपनी आदतों में ऐसी चीज़ें शामिल करनी चाहिए जिन्हें डेली करने से आपको बाद में बहुत पॉजिटिव असर देखने को मिलता है, जैसे जिम है, एक्सरसाइज है या राइटिंग करना। ये सब चीज़ें हमारी आदतों में शामिल होती हैं। तो हमें उस समय भले ही बहुत बुरा फील हो रहा हो, मगर इसका असर हमें बाद में देखने को मिलता है और फिर हमें खुद की पर्सनालिटी से और भी ज़्यादा प्यार होने लगता है। और सिर्फ आपको ही नहीं, बाहर के लोग भी आपसे इम्प्रेस होने लगेंगे, उनको भी आपसे प्यार होने लगेगा और ख़ासकर आपका पार्टनर भी आपकी तरफ आकर्षित होने लगता है। तो अगर पांच ऐसी चीज़ें जो आपको मालूम हैं और इन्हें आपने फॉलो किया तो आपको एक महीने में ही असर दिखने लगेगा। आप वापस मेरी वीडियो में नीचे कमेंट करने जरूर आओगे। बस शर्त इतनी है, इन पांचों आदतों को अपनी रोज की दिनचर्या में शामिल करना होगा। ये नहीं कि आपने वीडियो देखी और हटा दी। ऐसा करने से ना ही आप लाइफ में कुछ कर पाओगे और ना ही किसी को पा पाओगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पहली आदत के बारे में। तो पहली आदत है, पहली हैबिट्स है अपनी बॉडी को घिसो। जिस तरह किसी आरी को या कुल्हाड़ी को पेड़ काटने से पहले घिसा जाता है, उसे तेज धार किया जाता है, क्योंकि पेड़ काटने वाले जानते हैं आरी या कुल्हाड़ी में जितनी धार होगी वो उतना ही ज़्यादा पेड़ काटेगी। और इसी तरह आपकी बॉडी में जितनी जान होगी, आपने अपनी बॉडी को जिस काम के लिए तैयार किया होगा वो उतना ही ज़्यादा आपको जवान रखेगी, वो उतना ही ज़्यादा आपको थकने से रोकेगी और आपका दिमाग उतना ही तेज चलेगा। आप फटाक से कोई भी काम, कोई भी डिसीजंस ले पाओगे। आपने कई सारे ऐसे लोग देखे होंगे जो कोई एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते, जो कहीं नहीं जाते, जो बस लगातार खाने की सोचते हैं, बस आलसियों की तरह बैठे रहते हैं। उन्हें एक किलोमीटर भी पैदल चलाओ, उनकी सांसें फूलने लगती हैं। और वहीं आपने ऐसे कई बूढ़े भी देखे होंगे जो आज भी दौड़ने लगते हैं, जो आज भी दौड़ते हैं, जिन्हें देखकर लगता ही नहीं कि उनकी इतनी एज है। ये सब होता है बॉडी को उस चीज़ में डालने की वजह से। और यदि आप नशे वगैरह के चक्कर में पड़ोगे तो आपकी एज अपनी एज से भी दुगनी नज़र आएगी। तो यदि चाहते हो अगर खुद को ज़्यादा समय तक जवान रखना या किसी को पाना या ज़्यादा पैसा कमाना, तो पहले हेल्थ पर ध्यान देना शुरू करो, क्योंकि किसी भी चीज़ को पाया जा सकता है, मगर सिर्फ तब तक जब तक आपका दिमाग काम करेगा, आपकी बॉडी काम करेगी। तो सबसे पहले आप अपनी बॉडी पर ध्यान देना शुरू करो। तो आपको ये पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा। आप बात करते हैं पॉइंट नंबर टू की। दूसरी आदत है, अपने आप एक खुद जिम्मेदार बनो, अपने आप के खुद जिम्मेदार बनो। आपको कभी किसी की ज़रूरत नहीं होती कि सामने वाला आपको बताए आप कैसे इंसान हो, कैसे नहीं। आप अच्छे हो, ये बहुत अच्छी बात है, मगर आप कितने अच्छे हो ये प्रूव करने में अपना समय बर्बाद मत करो। लोग आपको जज करना कभी भी नहीं छोड़ेंगे। आप ये देखो कौन सी चीज़ आपके हाथ में है, कौन से काम अभी किए जाने बाकी हैं। खुद के काम के जिम्मेदार खुद बनो। अगर आप किसी भी काम में फेल होते हो तो फिर उसका ब्लेम किसी दूसरे पर मत डालो। खुद की जिम्मेदारी खुद उठाना सीखो। खुद से बोलो आप बहुत पावरफुल इंसान हो, आप जो भी फैसला लोगे वो सही ही लोगे। तो आई होप ये पॉइंट आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर थ्री की। तीसरी आदत है, शुरुआत करने से पहले अंत को दिमाग में रखो। जी दोस्तों, शुरुआत करने से पहले अंत को दिमाग में रखें। अगर आपका कोई गोल नहीं है, मतलब कि कोई छोटा भी गोल कि मुझे एक गाड़ी लेनी है या किसी को पाना है या कहीं घूमने जाना है, ऐसी कोई बात आप में नहीं है, ऐसी कोई बात आप नहीं सोचते हो, तो आपकी ज़िंदगी एक ऐसे इंसान के बराबर है जो रहे या ना रहे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको अपने आप को प्रूव करने के लिए, अपनी ही नज़रों में अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ाने के लिए कोई भी गोल तो सेट करना ही पड़ेगा। बगैर गोल के आप सोच ही नहीं सकते कि आपको करना क्या है। तो सबसे पहले किसी भी काम को करने से पहले एक गोल को सेट करें, एक गोल डिसाइड करें। तो आई होप ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। आप बात करते हैं पॉइंट नंबर फोर की। चौथी आदत है, पहले जानने की कोशिश करो उसके बाद ही कुछ बोलो।
कभी आपने किसी को झगड़ते हुए देखा है? मतलब जब दो लोगों की लड़ाई होती है, मतलब कि जब इधर वाला कुछ बोलता है फिर उधर वाला कुछ बोलता है, और दोनों बिना एक दूसरे की सुने, बिना एक दूसरे को समझे गालियां दे रहे होते हैं, तो ऐसी चीज़ें यदि आपके साथ होती हैं तो झगड़ने से पहले सामने वाले की बात को सुनो और गौर करो कि वो बोल क्या रहा है, क्या वो जो बोल रहा है वो सही है, और यदि सही नहीं भी है तो भी सीधा आंसर करने से पहले वो चीज़ करके दिखाओ कि वो कैसे सही नहीं है। क्यूरीज के बेस पर आर्गुमेंट में जीतना मुश्किल होता है, मगर फैक्ट के साथ यदि करके दिखाया जाए तो सामने वाला कुछ नहीं बोलता है, सामने वाला शांत हो जाता है। आर्गुमेंट्स लड़ाई को शांत किया जा सकता है। तो आई होप ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की। पांचवी आदत है प्रायोरिटी, मतलब कि पहली चीज को पहले करें। हम सबकी कुछ प्रायोरिटी होती हैं, कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमें पहले करने होते हैं, जिन्हें करके हम उस काम से फ्री हो जाते हैं और बाद में किसी दूसरे काम को करते हैं। पर क्या आपको अपनी प्रायोरिटी पता है? आपको पता है पहले कौन सी चीज़ कौन सा काम करना है? अगर नहीं पता है तो जो मैं बोल रहा हूँ उन्हें फॉलो करो और अपने रोज के काम की लिस्ट बनाओ, या फिर आप उन्हें माइंड में रखो। सुबह होते होते आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन सा काम पहले करना है और कौन सा काम बाद में। जो भी काम हो, चाहे आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड हो या आपकी लाइफ से रिलेटेड, उन्हें सबसे पहले करो, और जो काम जरूरी नहीं हो उन्हें सबसे बाद में करो। ऐसा करने से आप लोगों की प्रायोरिटी बन पाएंगे और लोगों को इम्प्रेस कर पाएंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, ये पांचों पॉइंट आपको पसंद आए होंगे। ये पांचों आदतें आप अपने अंदर लाने की कोशिश ज़रूर करेंगे, और एंड में अभी तक आपने हमारे वीडियो को शेयर नहीं किया है तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन करके ऑन कर लीजिएगा ताकि इस तरह की आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यदि आपकी कोई भी कमेंट वगैरह है लव लाइफ को लेकर, प्रॉब्लम्स हैं, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम्स का सलूशन आपको अवश्य दिया जाएगा। एंड में भी तक आपने हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं, और यदि आप मुझसे डायरेक्ट बात करना चाहते हैं, कंसल्ट करना चाहते हैं, तो कॉल फॉर मी एप्लीकेशन के द्वारा मुझसे बात कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद दोस्तों।